तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे देख लीजिए कूलिंग कॉयल है जो कि फ्रिज का है। और ये अक्सर करके ये देखिए कहाँ पे लगा होता है, अगर जो आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, जिसमें बर्फ़ जमता है ये वही कॉयल है, हमने खोल के बाहर निकाला है। और इसमें यहाँ पे देखिए किसी ने बर्फ़ निकालने के चक्कर में चक्कू से प्रहार कर दिया है। तो आज हम इसको ये रिपेयर करने वाले हैं। तो किस तरीके से इसको हम रिपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ईपॉक्सी का इस्तेमाल ना करके इसको वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग किस तरीके से करेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अस्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि ये होल हो गया है अंदर तक। तो इसको हम वेल्डिंग करने वाले हैं, किस तरीके से वेल्डिंग करेंगे ये आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ का हमको पूरे एरिया को सफाई करना है, कांच पेपर की मदद से इसको अच्छी तरीके से पूरा साफ कर लेना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से साफ होगा। हमारे पास देखिए ये कांच पेपर है, रेग मार्क भी बोलते हैं, इसको घसते हैं यहाँ पे। तो चलिए घसने में काफ़ी टाइम जाएगा, इसके लिए हम वीडियो को थोड़ा स्किप करेंगे। तो यहाँ पे घस के मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या हमको करना है। यहाँ पे देखिए हमने जो है इस होल को अच्छे तरीके से घस दिया है, और ध्यान रहे अंदर कचरा नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम वेल्डिंग करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हमें ये एरिया को थोड़ा हमने अच्छे से घस दिया है, क्योंकि घसाई के बाद यहाँ पे ये हमारा वेल्डिंग होगा। वेल्डिंग करने के लिए हमको साधारण रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको जो है एल्यूमिनियम रॉड की जरूरत पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम रॉड किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, और उससे हम वेल्डिंग करने वाले हैं। तो देखिए आपको जब भी वेल्डिंग करना है तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का जो ये सारा एरिया होगा ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो इस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि ये एरिया पूरा जो है आपका ब्लैक होने वाला ही है। तो नीचे भी आप संभाल के रखिएगा, कोई ऐसा चीज़ ना रहे कि ब्लैक हो जाए या जलने का संभावना रहे, इसकी वजह से आप नीचे का भी एरिया को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम वेल्डिंग करने वाले हैं। वेल्डिंग करने के लिए हमको ये देखिए एल्यूमिनियम रोड है हमारे पास, इसके माध्यम से हम यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। ओरिजिनल हमारे पास ये रोड गोदरेज का, एक चीज़ याद रखिएगा, ओरिजिनल यूज करेंगे तो ही सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा सकता। तो हम थोड़ा इसको ऐसे ऊपर करेंगे ताकि नीचे का हमारा कोई आइटम जो है वो जले नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेल्डिंग तो हो चुका है, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है इसको कि हम कंफर्मेशन आपको दे सकें कि इसमें लीकेज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से इसकी सफाई करनी होगी, क्योंकि हम इसको जब तक साफ़ नहीं करेंगे हमारा कोई भी मतलब लीकेज दिखेगा नहीं बाहर से। फिर भी मेरे को अगर जो इसमें कोई भी डाउट होगा तो हम इस पर दोबारा से वेल्डिंग मारेंगे। और एक चीज़ देखिएगा, हमको चारों तरफ से जो है इसके अंदर की बाहर की आसपास की सफाई करनी होगी, ताकि जो वाइट वाइट का जो इसका पेंट जला हुआ है वो भी इसके संपर्क में आ जाता है और इसके लीकेज को क्लियर बनने नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, चारों तरफ से जो है यहाँ पे चारों तरफ से आपको जो हमने वेल्डिंग लगाया है इसको चारों तरफ से आपको यहाँ पर सफाई कर लेनी है। सफाई कर लेने के बाद हमको इसमें प्रेशर डाल के चेक करना पड़ेगा। पहले इसको हम चेक करेंगे एक बार, अगर जो लीकेज होगा इसको भी हम प्रेशर डाल के चेक करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पीछे ऐसा काला पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कलर बाद में कर सकते हैं, पहले हम इसको प्रेशर डाल के चेक कर लेते हैं। देखिए किसी कहीं से भी ये लीकेज नहीं दिख रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पैक हो चुका है। तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है पानी में डाल के चेक करने वाले हैं हमारा ये लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके पहले हम यहाँ पे NRV की मदद से यहाँ पे
हम कनेक्शन करके और इसको ब्लॉक करके हम पानी में डाल लेंगे ताकि हमारा पता चल सके ये लीकेज हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो चलिए इसमें प्रेशर डाल के आपको दिखा देते हैं। हमने इसमें जो है प्रेशर डाल कर रख दिया है और अब हम इसको चेक कर रहे हैं प्रेशर डाल के कि हमारा ये कूलिंग कॉयल लीकेज है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर जो आपका कूलिंग कॉयल में लीकेज होता है तो कुछ इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा प्रेशर भी पूरा है और इसमें हमने प्रेशर डाल के कूलिंग कॉयल को पानी में डाला है तो यहाँ पर हमारा लीकेज जो है वो कम्प्लीट तरीके से रेडी हो गया है। तो अब हम बात करते हैं आगे, अगर जो आपका इस तरीके से लीकेज हो जाता है तो आप वेल्डिंग कर इसका मतलब उपयोग कर सकते हैं बिना नया डाले हुए। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से एल्युमिनियम का रोड के मदद से आप अपने फ्रिज के कॉयल को वेल्डिंग कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।